थोड़ा सा हाइटेड चाहिए था, क्योंकि मेरा हेड कट जाएगा। मानसी जी वो मंगा रहे हैं क्या आप केक? नहीं, आप अभी चीनी का और केक हम बताएंगे। ओके मैडम, तब तक मैं आपको अपडेट देती हूँ, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी, ये बाइट कर लीजिए, थोड़े फोन का विश्वास कर लेते हैं। जानतो सारा अगर बाइट कर लीजिए विश्वास करेंगे थोड़ा।
जिस तरह हर साल विश करते हैं मैं अल्लाह ब्लेस यू तुम जी हज़ार साल ऐसी राइजिंग स्टार बनते रहो और इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाओ और हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ में है। कीप शाइनिंग। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलूँगा और जियो तुम हज़ारों साल और ऐसी स्पीड में आगे बढ़ते रहो। अभी तो म्यूज़िक वीडियोज़ ही कर रहा हूँ मैं, मेरे जो छोटे भाई के बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली भी मेरा एक सॉन्ग आया एलपी के जो जी म्यूज़िक से आया है और अभी आने वाला एक और सॉन्ग है जो दिल्ली में शूट हुआ है रिसेंटली, उसका अपडेट 10 दिन के अंदर मैं मेरी फीड पे दूँगा। मेरा तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह देखेंगे ग्रुप। हाँ एक और चीज़ वो तो बताना भूल गया मैं, बहुत जल्द हम लोग टीम 07 के साथ में एक सॉन्ग करने वाले हैं, काफ़ी टाइम बाद तो ये हो रहा है कुछ 2-2.5 साल बाद। सॉरी, इससे पहले किए थे तो हम लोग 3 दिन ग्लोबल इंडिया में ट्रेंड किया था और 1 दिन ग्लोबल ट्रेंड किया था गाना और काफ़ी टाइम बाद वापस से टीम 07 एक साथ आ रही है तो वो रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ उसका रिकॉर्ड ज़रूर टूटेगा। नहीं अभी कुछ भी नहीं, गाने का नाम गाने का जॉनर कुछ भी नहीं बता सकते मगर बहुत जल्द बताएंगे, फिर वो एक्साइटमेंट रहेगा नहीं। बर्थडे के लिए आज बर्थडे में तो स्पेशल क्या है वो तो मिस्टर फेस्टिव ही बताएंगे, वैसे तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, अभी तो आया नहीं है, अभी आएगा तो उसको उससे मालूम पड़ेगा कि क्या है स्पेशल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सेकंड चीज़ मैं आपको सामने से बोलना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा डिले हो गया, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी उस वजह से मैं फंस गया। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा मैं बाइक से आऊँ तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। आज का दिन बहुत कुछ धमाका होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में है और मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई आज और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतने सारे बच्चों से मिला और उनके साथ गैदरिंग किया, उनके साथ केक काटा जो मुझे अपनापन जैसा लगा, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें तो लाइनअप में है ही है, तो अभी देखते रहो गाइस। इस साल को मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी और वो सारी चीज़ें बाहर आई और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, फैंस लोग को भी बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे फैंस लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है मेरे से अभी और बहुत अच्छी बात है वो मेरे लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आगे के लिए। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अभी लाइनअप में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं माशाल्लाह, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट 1x1 बहुत सारी चीज़ें लाइन में है और मेरे फैंस लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो लोग ने हमेशा से जो चीज़ चाहा है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी और मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा कि बस वो चीज़ जल्दी आ जाए और अभी थोड़ा सा जल्दी बता दूँगा तो फिर वो चीज़ आने में मज़ा नहीं आएगी, तो उन लोगों का रिएक्शन देखना है मुझे कैसा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ। थैंक यू। मेरा हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा वाइट कलर का सूट पहनूँ क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और माशाल्लाह ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त लोग ने मुझसे कहा, तो इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइस जो भी मैं ड्रेसिंग में लाने वाला हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
ये जो सेलिब्रेशन है वो तो हमेशा की तरह मैं शाम में एक गैदरिंग रखता ही हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, और जो मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं डेली घूमता हूँ, मैंने उन लोगों को भी इनवाइट किया हूँ। जिन लोगों के साथ में मेरा प्रोजेक्ट है या जिन लोगों के साथ मैं घूम रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में मेरा डेली बेस पे काम है, वो उनको भी इन्वाइट किया हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाली है अंदर, और बेचारे लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं। मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट आ गया, मगर इंशाल्लाह बहुत धूम करने वाला अभी मैं अंदर। मेरे फैंस लोग को मैं यही कहूँगा कि मेरी इतनी सारी चीज़ों में वो हमेशा से मुझे इतना सारा सपोर्ट करते हुए आए हैं, भले वो मेरा इंस्टाग्राम हो या भले वो कोई वेब सीरीज़ हो या भले कोई म्यूज़िक वीडियो हो। तो मैं यही कहूँगा गाइज आप लोगों के, हमेशा से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया और सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह मैं भी आने वाले कल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइन में इंशाल्लाह आने वाली है, और मैं आपको दिखाऊँगा।